CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम। वातायनम में आज सुनते हैं ये कार्यक्रम संहति ही कार्यसाधिका। एक जंगल में एक बहेलिया रहता था। बहेलिया नहीं समझे? अरे चिड़ियों को पकड़ने वाला। वहीं पर पेड़ों पर बहुत से पक्षी भी रहते थे। एक दिन उसने चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल फैलाया और दाने बिखेर दिए। उड़ते उड़ते कबूतरों का एक झुंड उधर ही आ रहा था। उनकी नजर धरती पर पड़े दानों पर पड़ी। पश्य तत्रापि तंडुलकणाः विकीर्णाः सन्ति। कुत्र? पश्य तत्र भूमौ दक्षिण पश्चिम कोणे आम दृष्टम अदः गत्वा खादिष्यामः। तंडुलान् दृष्ट्वा मे जिह्वा लप्लपायते। दाना खाने के लोभ में वे नीचे उतरने लगे। चित्रग्रीव नामक कबूतर ने उन्हें सावधान किया। निर्जने वने कुतः तंडुलकनाः किंचित अनिष्टं पश्यामि तत्र। किम् अनिष्टं तत्र? यदि पदे पदे शंकां करिष्यामः तर्हि जीवनमपि कठिनं भविष्यति। आम् सत्यं, मया तु न कुत्रापि कापि शंका दृश्यते। वयं सर्वे भूमौ अवतरामः। दानों के लोभ में कबूतर न माने और धरती पर उतर गए। तत्र पश्यतु, तत्रैकः कणः, तत्रापि एकः। भवतु, उड्डीय तत्र गच्छामः। अरे इदं किमिदम्? अहो, अरे जालबद्धाः वयम्। अधुना किं करवामः? दानों के लोभ में कबूतर न माने और दाना चुगते चुगते वे जाल में फंस गए। अहो जालबद्धा वयम्। अधुना किम करवामः? किम करवामः? अधुना किम करवामः? अधुना किम करवामः? प्रथममेव मया कस्यचित् अनिष्टस्य विषये कथितमासीत्। परम वृद्धस्य वाणीं कः विश्वसिति? मर्षयतु भवान्, न खलु कालोयम् उपालम्भस्य। पितामह, वयं सर्वे सहैव निबद्धाः, इदानीं किं करवाम? मार्गं दर्शयतु, उपायं कथयतु। आदरणीयो भवान्। शिरोवेदना में जायते। न भेतव्यम्, उपायम् अहम् चिन्तयामि। इदानीम् अस्माभिः किं कर्तव्यम्? श्रृणु, न दृश्यते कोऽपि व्याधः अत्र। अवसरमिमं ध्यात्वा किञ्चित् चिन्तयामः। सम्यक् वदति भवान्। साधु साधु। वयं सर्वे समकालमेव उत्पतामः। अनन्तरं किम्? आकाशमार्गेव अनारतं परिक्रमिष्यामः। नहि एवं करोमि। सर्वैरपि स्वस्थैर गम्यतां प्रागुत्तर दिग्विभागे। तत्र मम सुहृद् हिरण्यको नाम मूषकः प्रतिवसति। स एव सर्वेषां पाशच्छेदं करिष्यति। भवतु, आरभ्यताम्। साहसम्।
पश्य पश्य तत्रास्ति मूषकराजस्य सहस्रमुख बिलदुर्गम। चिंता मास्तु, वयं तत्रैव गच्छामः। चित्रग्रीव के समझाने पर सभी कबूतरों ने एक साथ दम लगाया और जाल लेकर उड़ गए। प्राप्तम तत्स्थलम्। प्राप्तम अस्माभिः मूषक गृहम्। वे चित्रग्रीव के मित्र हिरण्यक के पास पहुंचे। बच्चों, हिरण्यक एक चूहा था। हो भो मित्र हिरण्यक। अहो चित्रग्रीव। सत्वरम आगच्छ। महती महती में कष्टावस्था वर्तते। भो किमर्थम आयातः? किम कारणम? कीदृक्ते कष्टम? तत् कथयताम्। भो तत् सत्वरम आगच्छ। गुरुतरम प्रयोजनमस्ति। अहो चित्रग्रीव, किमेतत्? मित्र, वयं सर्वे लोभाविष्टाः। तज्जिह्वा लौल्यात् एतत् बन्धनं प्राप्तम्। साम्प्रतं त्वं सत्वरं पाश विमोक्षं कुरु। अस्तु, प्रथमं तव पाशं कर्तयामि। भद्र, मामेवं कुरु। प्रथमं मम आश्रितानां पाशच्छेदं कुरु, तदनु ममापि च। भो, न युक्तम् उक्तं भवता, यतः स्वामिनः अनन्तरम् आश्रितः भवन्ति। भद्र, मामेवं वद। मदाश्रयाः सर्वे एते वराकाः। अपरं स्वकुटुम्बं परित्यज्य एते सर्वे समागताः। तत् कथम् एतावत् मात्रमपि सम्मानं न करोमि? अपरं मम कदाचित् पाशच्छेदं कुर्वतः ते दन्तभङ्गो भवेत्, अथवा दुरात्मा व्याधः समभ्येति, तन्नूनं मम नरकपाते। भो, जानाम्यहं राजधर्मं, परं मया तव परीक्षा कृता, तत् सर्वेषां पूर्वं पाशच्छेदं करिष्यामि। भवान् अपि अनेन विधिना बहु कपोत परिवारो भविष्यति। अहो, मुक्ताः वयम्। मुक्ताः वयम्। धन्यवादः मूषकराजः। धन्यवादः। धन्यवादः मूषकराजः। साधु साधु। भवतां कृपया एव वयं मुक्ताः अभवन्। परम् एतदपि चिन्तनीयं यत् संहतिः सदैव कार्यसाधिका भवति। और इस तरह आपने सुना, जाल में फंसे हुए होने पर भी कबूतर मिलकर जाल सहित उड़ने में कामयाब होने के साथ साथ बहेलिए से अपने प्राणों की रक्षा में भी सफल हुए। ठीक ही कहा गया है कि मिलकर कार्य करने से कार्य की सिद्धि होती है। अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका। त्रिणैर्गुणत्वमापन्ने बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। संहतिः कार्यसाधिका। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर रंजीत बेहरा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर पंकज मिश्र, गिरीश त्रिपाठी, प्रेरणा, सिंपी, सृष्टि और गवीश द्विवेदी। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। निर्माण, निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।